ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एसडीओपी के द्वारा अपराधों को रोकने और संपत्ति संबंधित अपराध में अपराधियों को पकड़ने के लिए बेटमा थाना प्रभारी संजय सिंह को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के पालन में थाना प्रभारी बेटमा ने पीथमपुर बाईपास पर बेटमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मेठवाड़ा के एक पेट्रोल पंप पर वीवो कंपनी के 2 मोबाइल चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज होने पर मुखबिर से सूचना मिलने पर घाटा बिलोद ब्रिज के नीचे से इंदौर निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी किए गए वीवो कंपनी के 2 मोबाइल, नकदी 26,000 और एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल जब्त की गई है। वहीं इन्हें हिरासत में लेकर अन्य चोरी की घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। दिनांक 12/9 और 13/9 की मध्य रात्रि में पीथमपुर हाईवे पेट्रोल पंप 4 लाइन ग्राम मेठवाड़ा के पास में एक पेट्रोल पंप पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पेट्रोल पंप के अंदर घुसकर नकदी रुपए, मोबाइल फ़ोन और गाड़ी की चाबी ये चोरी करके ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट पर थाना बेटमा में अपराध क्रमांक 550 धारा 303-2 BNSS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। यह पेट्रोल पंप रविंद्र सिंह तोमर का पेट्रोल पंप था। रविंद्र सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। थाना बेटमा द्वारा इस घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मोहम्मद रिजवान, शाहरुख उर्फ मंजर खान, पवन बोरासी सभी निवासी आज़ाद नगर इंदौर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल फ़ोन वीवो कंपनी के, घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल होंडा साइन एवं नकदी 26,000 रुपये और 1 चाबी इसको बरामद किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध आज़ाद नगर थाने में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपियों के द्वारा और कहां कहां घटनाएं की गई हैं, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और आरोपियों से घटना के बारे में और भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।